स्कूल जहाँ पर बच्चों को भेजा जाता है ताकि वो अनुशासन का पालन करना सीखे, नियमों का पालन करना सीखे, लेकिन वही स्कूल अगर उन नियमों को तोड़ने का उदाहरण पेश करें तो कैसा लगेगा। हाँ जी, हरियाणा में शीतकालीन अवकाश की जो है धज्जियाँ उड़ाते हुए कुछ स्कूल जो है इसी बात का उदाहरण पेश कर रहे हैं। निजी स्कूल जो है, सभी की बात यहाँ पर नहीं हो रही, लेकिन कुछ निजी स्कूल जो है अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए सर्दियों के अंदर शीतकालीन अवकाश की घोषणा होने के बावजूद खुलेआम स्कूल खोलते जा रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि भाई आप पढ़ाई करवा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी काम किया जाए वो नियम कायदे कानून का पालन करते हुए अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा है, ठीक है। इसीलिए अगर हरियाणा सरकार ने आदेश दिए हुए हैं शीतकालीन सर्दकालीन अवकाश के, उसके बावजूद अगर स्कूल लगते हैं छोटी क्लासेज के, तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए अब नज़र डालिए कुछ खबरों के ऊपर जो कि निकल के आ रही हैं इसी अपडेट के ऊपर। यहाँ पर आप देखिए, ठंड और कोहरे के बीच स्कूल पहुँच रहे ननिहाल, जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। शीतकालीन अवकाश के बावजूद छोटे बच्चे ठिठुरते हुए निजी स्कूलों में पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार की ओर से सरकारी व निजी विद्यालयों में, यानी कि सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में 1 से 15 जनवरी तक अवकाश घोषित है, लेकिन ज़्यादातर निजी स्कूल नियम के विरुद्ध जो है पढ़ाई करवा रहे हैं। रेवाड़ी ज़िले में 5 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले एक पखवाड़े की बात करें तो ज़िले में न्यूनतम तापमान जो है वो लगातार यहाँ पर गिरता जा रहा है, वहीं दिन भर कोहरा भी है। इसके बीच कड़ाके की सर्दी में स्कूल पहुँचना छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यानी कि सरकार जो है छुट्टियाँ क्यों डालती है, क्योंकि भाई यहाँ पर ठंड हो जाती है तो बड़े बच्चे तो फिर भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर लें, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। बुज़ुर्गों और छोटे बच्चों के लिए जो है बहुत ही ख़तरनाक माहौल रहता है सर्दी वगैरह में, तो इसीलिए जो है एक्सपर्ट्स की राय के बाद सरकार छुट्टी डालती है, लेकिन उन छुट्टियों के आदेशों की भी धज्जियाँ उड़ाते हुए निजी स्कूल अपनी मनमर्जी करते हैं। आगे देखिए, रेवाड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी नसीब सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है, कुछ शिकायतें आई थी जिन पर कार्रवाई की गई है। अगर किसी स्कूल में शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो अधिकारी हैं वो ये कह देते हैं कि भाई ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अगर आप लोग देखते होंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास जो है अभी भी पीली बसेस जो हैं बच्चों को ले जाते हुए दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो है सिस्टम भी यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही बरतता है, वरना ऐसे स्कूलों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपके आसपास भी अगर बसें गुजरती हैं, आप भी देखते हैं कि अभी भी स्कूल खुले हुए हैं, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब दूसरी अपडेट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, शीतकालीन अवकाश आदेशों का स्कूल संचालन करे पालन, DC की चेतावनी, आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई। यहाँ पर जो है चरखी दादरी की तरफ से अपडेट है कि भाई यहाँ की जो DC हैं प्रीति जी, उन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई स्कूल आदेश का पालन नहीं करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आप यहां पर पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हो। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते प्रदेश के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में घोषित शीतकालीन अवकाश का स्कूल संचालक गंभीरता से पालन करें। किसी भी स्कूल में छोटी कक्षाओं के बच्चे पाए गए तो उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी, यह चेतावनी जिला उपायुक्त प्रीति जी ने दी है। आप लोग यहां पर पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हो। उन्होंने यहां पर क्लियर कह दिया है कि भाई सरकार के आदेश हैं तो इनकी पालना जो है वो होनी चाहिए, यानी कि इनका पालन होना चाहिए आदेशों का। इनकी जो है अगर कोई धज्जियाँ उड़ाता पाया जाता है, अगर कोई स्कूल संचालक स्कूल खोलता पाया जाता है 10th और 12th को छोड़ के, यहाँ पर देखिए लिख भी दिया है साइड में, केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेंगी, क्योंकि इनकी जो है यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस में कहा गया था कि भाई क्लासेस लगनी है, लेकिन और जो क्लास हैं छोटी क्लास हो गई, ठीक है, 1st to 9th और 11th, इनकी कक्षाएँ अगर लगती हैं और लग भी रही हैं, बहुत जगह शिकायत आती हैं, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो गाइज़ कैसी लगी आपको अपडेट, हमारा इसके माध्यम से बस यही कहना है कि भाई ये जो है गलत हो रहा है, इसके ऊपर जो है प्रशासन को यहाँ पर अमल में लाकर कार्रवाई करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है छोटे बच्चे हैं तो उनको भी यहाँ पर राहत देनी चाहिए, और जो स्कूल संचालक हैं उनसे भी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सरकार के नियमों का पालन करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।